बदरुल गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सलजूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग पेट डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आजमों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाकयात से माखूज है। जंग की नौयत मुख्तलिफ होगी इस बार। हमें इन इलाकों में हर वक्त बहुत मोहतात रहना होगा। हर चाल में दूसरी चाल पोशीदा है। महीनों से इंतजार कर रहे हैं, जानवर हलाक हो रहे हैं, पहाड़ों में शिकार नहीं है, रोज फाके कर रहे हैं, अब बस बहुत हो गया। हाँ हाँ सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। दाखिली रास्ते पर चाल बिछाओ, उस रास्ते पर आने वाले पहले सलार को पकड़ना है तुम्हें। ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ मैं जो मेरी तलवार के नीचे आकर अपनी दौलत देने को तैयार हो गए, लेकिन आज तक किसी बहादुर ने दौलत पर कुर्बान नहीं किया अपना हथियार। सुल्तान अलाउद्दीन का मौतमद खास, क्या नाम है उसका? सदकीन कोपेक। हाँ वही, कोनिया से हमारे खास आदमी ने खबर दी है कि वो सुल्तान के महल का वजीर बन गया है। या अल्लाह मेरी मदद फरमा, सुल्तान की जानिब से भेजे जाने वाले उस बहादुर से मिलवा दे। तुम क्या मुझसे इतनी आसान मौत की उम्मीद रखते हो? अभी तो तुम्हारा हिसाब शुरू हुआ है। तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि खोल दो अपनी जबान, वरना मेरी बेटी गद्दारों से जबान खुलवाना बहुत अच्छी तरह जानती है। फैसला तुम्हारे हाथ में है। बहुत अफसोस हो रहा है मुझे तुम्हारी जवानी पर। अभी तो इस दुनिया में तुम्हें बहुत कुछ देखना है। अगर तुम जिंदगी चाहते हो तो सच बता दो कि हमारा माल तुम्ही ने चुराया था ना? मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेकसूर हूँ। ये जान लो कि जब तक तुम अपनी जुबान नहीं खोलोगे मैं तुम्हारी जान नहीं छोड़ूंगी। सरदार जानदार का माल चुराने का अंजाम क्या होता है मालूम होगा तुम्हें। घटिया इंसान। बताओ मुझे, असलेहान तातार कबीले के सब लोग अगर तुम्हारी तरह बहादुर और जंगजू हो जाएं, तो दुश्मन हमारा बाल भी बीका नहीं कर सकता। कुतलुजा, तुम्हें मेरी बेटी असलेहान का सलूक शायद पसंद नहीं आया, तुम्हारी मर्जी। अब देखते हैं
शायद मेरी शफकत तुम्हें जबान खोलने पर आमादा कर दे। तो अब अगर तुम मेरी बेटी असलेहान के सवालों का जवाब नहीं दोगे तो इसका मतलब है कि तुम्हारे कान खराब हैं और तुम बहरे हो, तो फिर ऐसे कानों का क्या फायदा। अब देखते हैं दूसरा कान ठीक है या खराब है। शराफत से बता दो हमें, तुम्हें हमारा माल कैसे मिला, किसके लिए काम करते हो तुम? उराल भाई के लिए। क्या कह रहे हो तुम ये, सच बताओ? उराल भाई, उन्होंने सारा मंसूबा बनाया था। भाई ऐसा ना करें, अगर ये मर गया तो आप कभी उराल से एतराफ नहीं करवा सकेंगे। कुतलूचा, फौरन जाकर उराल को बुला के लाओ यहां। सरदार जैसा आपका हुक्म। तो तमिश असलेहान, अभी जो कुछ हमने सुना उसकी खबर ना ही जमीन को और ना ही आसमान को और ना ही जमीन पर बसने वाले किसी भी बशर को होनी चाहिए। समझ गए बात? ठीक है सरदार। जैसा आप कहें बाबा। उराल साहब का खाना तैयार है, कौन लेके जाएगा? मैं ले जाती हूँ। मैं तुम्हारा आशिक हूँ मारिया, तुम्हारी मोहब्बत में दिल जलता है। हाँ कह दो कि दिल को करार आ जा। तुम अपने हवास में नहीं हो पेट्रो। अपनी हद में रहो तो ज्यादा बेहतर है। ये तुम्हारे हिस्से के सिक्के हैं उराल। मैंने अपने हाथों से खाना तैयार किया है उराल साहब। खुशकिस्मत है आप उराल साहब, मारिया हर किसी के लिए खाना तैयार नहीं करते। शुक्रिया तुम्हारा मारिया, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। तनावल कीजिए जनाब। तुम भी ये बात अच्छी तरह से जानते हो कि इन इलाकों में ताकत ही सब कुछ है और ताकत दौलत से आती है। मगर दो तीन कारवानों से आने वाला माल काफी नहीं होगा, मुझे अब और सोने के सिक्के चाहिए क्योंकि ये वक्त की जरूरत है। क्या तुमने यही बात अपने बाबा जानदार साहब से भी कही थी? बाबा का इससे कोई ताल्लुक नहीं सिमोन। मुझसे तो तुमने कहा है कि तुम्हें मजीद सोने की जरूरत है, लेकिन तुम अपनी ख्वाहिशात महज बातों से पूरी नहीं कर सकते। कैसे मुमकिन है जबकि तुम्हारे बाबा तक तो तुम्हारी बात सुनने को तैयार नहीं है? अनकरीब मुमकिन कर दूंगा, वो हर बात सुनेंगे मेरी। उराल साहब, सरदार जानदार और तुख्तमिश साहब गोदाम में आपके मुंतजर हैं। मसला क्या है कुतलूचा? आप वहां पहुंचकर खुद ही जान जाएंगे।
तो तमिश मुश्किलात पैदा करता रहेगा तुम्हारे लिए। तो तमिश, अगर तुम्हारी बात ठीक निकली तो तमिश को मरने से कोई नहीं बचा सकेगा। जल्दी फैसला करना होगा तुम्हें, बाकी तुम मुझ पर छोड़ दो। मगर एहतियात रखना जरा, कहीं तुम्हारे पापा ही तुम्हारी मौत की वजह ना बन जाएं। मौत के फरिश्ते से मेरा मुआहिदा हो चुका है, जब तक मैं जिंदगी में अपना इंतकाम नहीं ले लेता वो मेरे पास नहीं आएगा। तुम बेफिक्र हो जाओ और मुझे जो करना होता है वो मैं करके ही रहता हूं। वक्त आ गया है मारिया, आज तुम्हें वो खास शरबत तैयार करना है। शिकार जाल में फंस चुका है सिमोन, आपका अंदाजा ठीक था, वो सालार के भेस में ही वहां आया। कैद में है हमारी। बतुहान, हर सूरत हाल के लिए तैयार रहो, हो सकता है कि मैं जिंदा वापस ना आऊं। अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम चौलपान खातून को लेकर यहां से निकल जाना। आप फिक्र ना करें सरदार। तुम जाओ यहां से बतुहान। तुम इतनी गजबनाक क्यों हो असलेहान? तुम्हारे चेहरे से तुम्हारा गुस्सा साफ जाहिर है, खैरियत है? इसलिए कि मेरी आंखें खद्दार को देख रही हैं भाई। तो फिर तुम्हें इंसाफ भी देखना चाहिए मेरी बहन, क्योंकि तुम अगर इंसाफ देखोगी तो अपने भाई पर एतबार करोगी। तुम्हारी ये हरकतें तुम्हारी मां ने नहीं देखी। बाबा ये क्या कह रहे हैं, यहां मेरी मां का जिक्र किस लिए? तुम्हें सामने देखकर तुम्हारी मां का चेहरा आ जाता है निगाहों में, और अपने रब का बहुत शुक्र अदा करता हूं मैं कि उसे बुला लिया रब ने, उसने तुम्हारे अंदर मौजूद गद्दार को नहीं देखा। बाबा मेरी मां का नाम बिल्कुल ना लीजिए आप, मुझे ये बताइए मुझ पर यह घिनौना इल्जाम लगाने वाला कौन है? क्या इसने लगाया था इल्जाम? क्या कहा इसने? मेरा सोना तुम्हारे लिए काफी नहीं था जो तुमने अब कबीले का सोना चुराना शुरू कर दिया है? मैंने आपसे या कबीले से कोई गद्दारी नहीं की, आप तिजारत के उसूल मुझसे बेहतर जानते हैं। जब से आपने मुझे कबीले की तिजारत की जिम्मेदारी सौंपी है, मैं सख्त मेहनत से कबीले के लिए सोना जमा कर रहा हूं। क्या भूल गए आप? क्या आप ये सब नहीं जानते? समझ गया,
इस मलून ने मेरे खिलाफ बातें करके आपको मेरा मुखालिफ बना दिया है और आपने आंखें बंद करके इसकी बातों पे यकीन कर लिया और मुझ पर यह घटिया इल्जाम लगा दिया। तो बताइए मेरे लिए क्या सजा तजवीज की है आपने? तुम अपने खून का एक एक कतरा भी बहा दो अगर तुम्हारे गुनाह तब भी नहीं धुल सकते ओराल। हकीकत जान गया हूं मैं, इस आदमी ने मरने से पहले मुझे सब कुछ बता दिया है। शर्म नहीं आती तुम्हें घटिया इंसान? इस मलून की बात अगर मुझसे ज्यादा अहम है आपके लिए तो मेरी भी आखिरी बात सुन लीजिए। मुझ पे जिस किसी ने भी ये घटिया इल्जाम लगाया है वो मेरे और आपके दरमियान फासले पैदा करना चाहता है। आपके लिए जान तक दे सकता हूं बाबा, भरोसा कीजिए मुझ पर। मेरी जान ले लीजिए बाबा। ऐ यीशु मसीह के नहायत वफादार खिदमत गुजार और मेरे प्यारे दोस्त, मुझे ताकत चाहिए। अजीम रूह के नाम पर अपना जहर दो मुझे, आज अपने जहर का एक एक कतरा दे दो मुझे। जो दुश्मन है हमारे, मौत के घाट उतर जाए वो। शैतानी साया जो तुम्हारे दांतों के दरमियान मौजूद है सिल्वानोस, क्या ख्याल है? शरबत जायकेदार बन सकता है ना? से दुकान लगाने की कीमत मांग रहे हैं लोग, जैसे कि इनका अपना माल हो। अल्लाह की जमीन पर दुकान की कैसी कीमत? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा भाई। मुझे यकीन है वंशी, एक दिन हम भी दुकान के मालिक होंगे, फिक्र मत करो। अभी तो इस माल के लिए एक ताजिर की तलाश है। अभी तक कोई सुराग नहीं मिला ना भाई? हम कुस्तुनतुनिया से आने वाले से जरूर मिलेंगे तुमदार। सुबह खैर। बहुत शुक्रिया। जानदार साहब यहीं होते हैं?
लगता है कारोबार नहीं चला अर्थरुल साहब। और आपको देखकर लगता है जैसे आपकी किसी महाज से वापसी हुई है। दौलत पास हो तब भी लड़ने के लिए महारत चाहिए होती है महाज पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं ये खालें? कितनी पुरानी है? भाई ताजा है, ताजा है भाई, बिल्कुल ताजा है। आपको जैसे भी खाल चाहिए सब है हमारे पास। आपको ऐसी खालें पूरे बाजार में कहीं भी नहीं मिलेंगी भाई। माशाल्लाह माशाल्लाह। कीमत क्या है आप बताइए भाई? एक सोने का सिक्का दूंगा एक खाल का। बात सुनो ताजर, जिंदगी में कभी शिकार किया है तुमने? कभी नहीं। समझ गई, इसीलिए ये कीमत लगाई है, क्योंकि तुम्हें मालूम नहीं है कि कितनी मुश्किलात से शिकार किया जाता है। खैरियत तो है इस्लियान खानम, क्या हिस्सेदार है आप इनकी? हिस्सेदार नहीं, लेकिन मसनुआत की कदर कीमत अच्छी तरह से जानती हूँ, और इसकी जो कीमत तुमने लगाई है वो कम है बहुत। खातून को देखो जरा, बहुत समझदार है ये। सरदार, ये अभी खाम खाले हैं, इसे तैयार करने में मेरा माल लगेगा और वक्त भी लगेगा। सही कहा? माल तैयार करने में तुम्हारा एक सिक्का लगेगा, इस तरह दो सिक्कों में ये तैयार हो जाएंगी, जबकि एक खाल 10 सिक्कों में बिकेगी। ठीक कहा ना ताजर? तुम्हारे अकेले के लिए मुनाफा कुछ ज्यादा नहीं। ठीक है, तो बताइए क्या अदा करूं? बहुत ज्यादा नहीं, 4 सोने के सिक्के। 4 सोने के सिक्के? हरगिज नहीं। क्या आप ये चाहती हैं कि मैं बिल्कुल ही कंगाल हो जाऊं? सिर्फ 4 सोने के सिक्के नहीं, बल्कि इनकी सफाई के लिए मजीद एक सिक्का। इस तरह हर एक खाल के लिए 5 सिक्के अदा करोगे। जल्दी सौदा तय करो, काफी दूर जाना है इनको। या अल्लाह, क्या किस्मत है मेरी, मैं कभी ये कीमत अदा ना करता अगर मुझे जरूरत ना होती। ये जान लें, माल उतार दीजिए। जी भाई। असलेहान खातून, अगर आपसे मुलाकात पहले हो जाती तो इतनी जहमत ना होती हमें। शुक्रिया। जनाब, ताजर बहुत मुश्किल से कायल होते हैं, और आप माहिर हैं इन्हें कायल करने में। बहुत शुक्रिया। सुना है काई खवातीन बहुत हुनरमंद होती हैं, उनके बनाए हुए कालीन यहां क्यों नहीं लाते आप? यहाँ अच्छी कीमत मिल सकती है। गुज़श्ता 2 सालों की कहत साली ने हमें बहुत मुतासिर किया है, मसनुआत नहीं है बेचने के लिए। वेनेडिक के ताजर यहाँ बहुत जल्द पहुंच जाएंगे, तुर्क कबाइल की दस्तकारियां बहुत पसंद है उन्हें। वहां के तमाम महल हमारी दस्तकारियों और कालीनों से मुजयन है। अपनी मसनुआत यहाँ ले आइए, आप मुनाफा अच्छा मिल सकता है। कितना वक्त है उनके आने में?
बहुत जल्द यहाँ पहुँच जाएंगे, शायद आज या कल। आपका एहसान कभी नहीं भुला सकता असलहान खातून, बहुत शुक्रिया। इनकी ज़ईफ हालत पर मत जाइए, ये लोग बहुत फुर्तीले हैं, ये अपने काम में बहुत माहिर हैं। इनमें से एक महल में अपनी खिदमात भी अंजाम दे चुका है। घटिया इंसान। और ये आदमी बावर्ची भी है, और ये दूसरा आर्मेनिया से आया है, असली सोने की पहचान रखता है। आप ये गुलाम 20 नहीं 10 भी नहीं बल्कि सिर्फ 5 तलाई सिक्कों में खरीद सकते हैं। क्या आप में से कोई भी इतनी कम कीमत में गुलाम नहीं खरीद सकता? उराल साहब फरमाइए, आपको कौन सा गुलाम चाहिए? 5 तलाई सिक्के दीजिए और ले जाइए अपना गुलाम। मुझे ये गुलाम चाहिए। अगर तुम मेरी तीर से बच गए तो तुम आजाद हो। भागो। तुमने सुना नहीं कि उराल साहब कह रहे हैं भागो? उठो। भागो। भागो। तीर से बचना है तो भागो। इसे भी खोलो। उराल भाई, ये क्या तमाशा कर रहे हैं आप? बस बहुत हो गया भाई। भाग बूढ़े गुलाम, भाग। अगर जिंदगी चाहता है तो भाग। रुक जाए आप, बस बहुत हो गया। सुना नहीं? भागो, भागो, भागो अगर जान बचाना चाहते हो तो। भागो, 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 भागो गुलाम, भागो। अगर तीर से बच गए हो तो जिंदगी है, वरना तुम्हारी मौत है। मौत तो भागो, 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 भागो गुलाम, भागो, 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 हट जाओ मेरे सामने से। भागो, 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 सुना नहीं? भागो, 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 भागो
हर तरफ। कितने सिक्के दरकार हैं इसे तुम्हारे बस? 5 सिक्के। आओ मेरे साथ। भाई वो आदमी मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। मेरे होते कोई हाथ भी नहीं लगा सकता तुम्हें। आओ मेरे साथ। दुंदार, 5 तलाई सिक्के इस ताजर को दे दो इस गुलाम के बस। ये गुलाम मेरा है अर्तुल साहब, इसे खरीद चुका हूं मैं। तो आप इसे मुझे फरोख्त कर दें। कितने तलाई सिक्के दरकार हैं इसके लिए? 40 है, कुछ और नहीं मिला क्या इसके पास से? नहीं जनाब सिमोन, इस खत के अलावा कुछ नहीं मिला। तो तुम हमसे खेलना चाहते हो? तो आओ फिर खेलते हैं। सालार जाहिर करने वाले जासूस से और क्या उम्मीद की जा सकती है? ये कभी जबान नहीं खोलेगा। दरिस्तान के हवाले कर दो इसे, इबरत का निशान बना दो इसे। मुझे यकीन है कि इसके बाद कोई दूसरा जरूर आएगा। तुर्क अपने शोहदा को अकेला नहीं छोड़ते कभी। जिसने भी इसे यहां भेजा है वो इसके पीछे जरूर आएगा। सिमोन अफंदी, बाजार में एक वाकया हुआ है, आपकी जरूरत है वहां। कितने तलाई सिक्के दरकार हैं इसके बस? लगता है तुमने अपनी खालें बेच डाली हैं। मैंने कहा कितने सिक्के दरकार हैं तुम्हें? अब जबकि हम बाजार में हैं तो मुनाफा मेरा हक बनता है। मुझे 10 सिक्के चाहिए। दुंदार, उराल साहब को कीमत अदा करो। ये आप क्या कर रहे हैं भाई? दुंदार, बस बहुत हो गया, काबू में रखे अपना गुस्सा। एक गुलाम की जिंदगी बचाने के लिए 10 तलाई सिक्के। मैं इस सखी आदमी को अपने दस्तरखान पर दावत देना चाहता हूं। उम्मीद करता हूं कि बाजार के वाहिद मालिक की पेशकश ठुकराई नहीं जाएगी अर्तुरुल साहब। मैं
मैं आपकी दावत पर अपने साथियों समेत आऊंगा सिमोन अफंदी। मुझे बहुत खुशी होगी अर्तुरुल साहब, तशरीफ लाइए। साहब तशरीफ रखिए। पीना पसंद करेंगे आप? पानी ले आओ। सिर्फ पानी ले आओ? अगर सिमोन को पता चला कि मैंने उनके मेहमानों को सिर्फ पानी पिलाकर रुखसत कर दिया तो वो खफा हो जाएंगे। हमें सिर्फ पानी चाहिए। लोगों की जिंदगी भी पानी की तरह शफाफ रहे। बहुत शुक्रिया मारिया। खाने से पहले कुछ मशरूबात लेकर आओ हमारे लिए। वो औरत तो सिर्फ आपको ही देख रही थी दुर्गुद भाई। हाँ मेरे भाई, तुमसे कितने प्यार से पानी का पूछ रही थी। बमसी नाराज मत हो दुर्गुद भाई, चुप हो जाता हूं। सिमोन का बाजार काफी अरसे से कायम है लेकिन पहली बार किसी शख्स को अपना माल और दौलत किसी गुलाम की जिंदगी पर कुर्बान करते देखा है मैंने। मैंने भी बहुत से सफर किए हैं लेकिन पहली बार किसी शख्स को अपनी तस्कीन के लिए गुलामों को मारते देखा है। तुम्हारा मजहबी भाई है उराल। किसी पर रहम खाना तो वो जानता ही नहीं। मेरे आदमी उसे ये जुल्म करने से रोक लेता अगर आप मुदाखलत ना करते। ये सिर्फ मेरे हम मजहब भाइयों का जुल्म नहीं है, आपके बाजार का तौर तरीका है सिमोन अफंदी, जिसकी बुनियाद ही मजलूमों पर जुल्म है। हम ताजिर फराग दिली को बहुत पसंद करते हैं।
मैं चाहता हूं आप हानली बाजार से अच्छी तरह वाकफियत हासिल कर लें। हम तुर्क मासूम लोगों की उम्मीद बनना पसंद करते हैं। मैं आपके बाजार आता रहूंगा, फिर मिलेंगे। मुझे इजाजत दीजिए। ठीक है। प्यारे भाई, तुर्कों को देखकर लगता नहीं कि हमारे सोने के सिक्के कुछ काम आएंगे, और आप इन तुर्कों को अपने जाल में फंसा नहीं पाएंगे बिल्कुल भी। तुम जानती हो कि इन जैसे कितने सूरमाओं को जहन्नम वासिल कर चुका हूं मैं। अगर मैं हूं इस कबीले का सरदार तो फैसले भी मेरे ही होंगे। इन मामलात में बेजा मुदाखलत करना मुझे बिल्कुल कबूल नहीं है, और ना ही ये आपकी जिम्मेदारी है। तुम्हें ये जहर तोक्तमिश के खाने में मिलाना है, उससे आज जान छुड़ा लेंगे हम अपनी। चलो मेरे जवानों, जिहाद हमारा, फतह अल्लाह की।